हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप खुद से घर बैठे बैठे प्रॉपरली एक फ़ोन में कैसे टेम्पर ग्लास को लगा सकते हैं। सो ये है मेरा फ़ोन MI A2 एंड ये है उसका टेम्पर ग्लास, जिसको मैं अमेजन से कुछ दिन पहले ही परचेस किया हूँ। सारे फ़ोन में टेम्पर ग्लास लगाने का मेथड सेम है। सो ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी फ़ोन में टेम्पर ग्लास को लगा सकते हैं। सो देख लेते हैं इस बॉक्स में अंदर क्या क्या दिया गया है। अंदर हम लोगों को कुछ होल्डिंग स्टिकर्स एंड वाइट पेपर मिल जाता है एंड कुछ डॉक्यूमेंटेशन एंड देन आता है मेन टेम्पर ग्लास। बॉक्स को अभी साइड में रखते हैं। ये देख सकते हैं हमारा टेम्पर ग्लास, इसका एक साइड में अभी ब्लू स्टिकर लगा हुआ है। ये है होल्डिंग स्टिकर्स। टेम्पर ग्लास को एक जगह में होल्ड करने के लिए ये यूज़ किया जाता है एंड टू टाइप्स ऑफ वाइप, इसको भी मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ। ये यूज़ होता है फ़ोन का स्क्रीन को क्लीन करने के लिए। मैं खुद से एक टिश्यू पेपर को इधर यूज़ करने वाला हूँ। कभी कभी आपको पैकेट के अंदर ही क्लीनिंग क्लॉथ मिल जाता है, बट इधर ये प्रोवाइड नहीं किया गया है। सो पहले फ़ोन का कवर को रिमूव कर लेते हैं एंड स्क्रीन को क्लीन कर लेते हैं। फर्स्ट मैं यूज़ करूँगा अपना टिश्यू पेपर, उससे पूरा धूल जो भी है वो क्लीन कर लूँगा। एंड देन मैं यूज़ करूँगा वेट वाइट पेपर। इसमें एक तरह का लिक्विड दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन को क्लीन करने के लिए। आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन कितना क्लियर हो चुका है। अभी मैं यूज़ करूँगा ड्राई वाइप पेपर, जिससे मैं ये लिक्विड को रिमूव कर लूँगा एंड फोन को और भी क्लीन कर लूँगा। सो हमारा स्क्रीन पूरी तरह क्लीन हो चुका है। अभी हम टेम्पर ग्लास को लगाएंगे। फर्स्ट आप देख लीजिए इसमें जो कैमरा एंड माइक होल्स है वो सही से फिट हो रहा है या नहीं। ये काम आप थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर टेम्पर ग्लास लग गया तो इसको निकालना मुश्किल है। सो साइज एंड प्लेस फिक्स करने के बाद टेम्पर ग्लास को जस्ट स्क्रीन के ऊपर रख दीजिए, खुद से अपने आप स्क्रीन के साथ चिपक जाएगा। अभी आप जो होल्डिंग स्टिकर्स है उसको लगा दीजिए, ताकि ग्लास सही पोजीशन में कुछ देर के लिए बना रहे एंड स्क्रीन के साथ परमानेंटली फिक्स हो पाए। नेक्स्ट आप स्टिकर्स को रिमूव कर लीजिए एंड स्क्रीन को अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिए। कुछ
कुछ कुछ एयर बबल अगर अंदर रह भी गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक दो दिन के अंदर ये एयर बबल निकल जाएगा। एक दिन बाद मैं फिर से फ़ोन का वीडियो शूट करूँगा एंड आपको एक क्लिप दिखा दूंगा कि मेरा फ़ोन का जो एयर बबल्स है अभी वो रिमूव हुआ या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, एक दिन बाद टेम्पर ग्लास का सारे एयर बबल्स रिमूव हो चुका है एंड टेम्पर ग्लास परफेक्टली फ़ोन के साथ लग चुका है। सो यही है सिंपल मेथड एक टेम्पर ग्लास लगाने का। तो आप इस मेथड को यूज़ करके आसानी से कोई भी मोबाइल में टेम्पर ग्लास को लगा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए।